आईपीएल 2022 का 39वां मैच जो कि खेला जाएगा फैफ डुप्लेसी की टीम वर्सेस संजू सैमसन की टीम के बीच, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। आप कुछ मैं दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और भी बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ दोनों में टीम कंपेरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो में मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन बताया जाएगा कि आखिर मुझे क्या लगता है इस मैच में जो है फैफ डुप्लेसी की टीम और संजू सैमसन टीम में कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है। तो वीडियो जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना देख लेते हैं, तो आपको इस मैच के बारे में इस वीडियो में ए टू जेड सभी जानकारी जो पता लगे सभी रिकॉर्ड जो पता चल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा भी आगे पीछे स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, वीडियो को जरूर से देखें। ठीक है, चलिए आज की हमारी को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बाद घंटे से दबा लो। ठीक है, घंटे से जरूर से ताकि जब भी हम नया डाले आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए आज की हमारी को शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बात करें इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, मैं पता ही होगा किसी मैच जितने हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है कितना ज्यादा मायने रखता है। इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, इन दो टीमों के बीच लास्ट के जो पांच मुकाबले खेले गए, लास्ट के पांच मुकाबले जब ये दोनों टीम आपस में भिड़ी है तो लास्ट के पांच मुकाबला मामला जो है बिल्कुल एक तरफा रहा है। ठीक है, एक तरफा का मतलब लास्ट के पांच मुकाबले जब दोनों आपस में भिड़ी है, पांचों के पांचों मैच जो है कौन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ही जीती है। एक भी बार जो है लास्ट के पांच मुकाबलों में एक भी बार जो है राजस्थान उसकी टीम जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जो नहीं जीत पाई है। आईपीएल 2022 में ये दोनों टीम जो एक बार आपस में भिड़ चुकी है। ठीक है, 5 अप्रैल को भिड़ी थी आपस में, जिस मैच में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ही जीत गई थी। ठीक है, राजस्थान रॉयल से आईपीएल 2021 में ये दोनों टीमें जो दो बार आपस में भिड़ी थी 22 अप्रैल और 29 सितंबर को। ठीक है, जिस मैच में दोनों मैचों में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत मिली थी। ठीक है, अगर बात करें दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान की रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट के पांच मैच की बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो लास्ट के पांच में तीन मैच जीती है, दो मैच जो है हारी है। अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की रिसेंट फॉर्म की, तो लास्ट के पांच में राजस्थान रॉयल्स की टीम खेली है ना, उसमें से पांच मैच में से जो तीन मैच जीती है, दो मैच जो ये भी टीम जो हार कर आ रही है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लास्ट के जो तीन मैचेस जीते उसमें से एक मैच जीती है लखनऊ सुपर जायंट के साथ। ठीक है, एक मैच जीती है दिल्ली कैपिटल के साथ, एक मैच जीती है मुंबई इंडियंस से। लास्ट दो मैच जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हारी है वो हारी है किसे, सनराइज हैदराबाद से हारी है और चेन्नई सुपर किंग्स से हारी है। फिर वहीं बात करें राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स की टीम लास्ट के तीन मैच जीती है, एक जीती है दिल्ली कैपिटल से, एक जीती है कोलकाता नाइट राइडर, एक जीती है किसे, लखनऊ सुपर जायंट से। और जिस टीम से जो है लास्ट के दो मैचेस हारी है राजस्थान रॉयल्स की टीम, वो टीम का नाम है गुजरात टाइटंस और किससे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से ही हारी है। लास्ट के तीन मैचेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीती है आईपीएल 2022 में, तीन में से दो मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो पहले बैटिंग कर रही थी वो एक मैच जो है चेस करते हुए जीती है और दो मैच जो है हारी है, एक मैच जो है पहले बैटिंग करते हुए हारी, एक मैच जो है चेस करते हुए हारी है। वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो लास्ट के तीन मैच जीती है, तीनों के तीनों मैच जो है पहले बैटिंग करते हुए जीती है। ठीक है, मैच जो हारी आईपीएल 2022 में लास्ट के, ठीक है, उसमें दो मैच में एक मैच में चेस कर रही थी और एक मैच में पहले बैटिंग कर रही थी। बात करें दोनों टीमों की ओवरऑल कंपैरिजन की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने लास्ट के 10 मैचेस खेले सभी टीमों के साथ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो विनिंग परसेंट है 60% का रहा है, एवरेज स्कोर है 159 का, हाईएस्ट स्कोर है 205 का, वही लोएस्ट स्कोर है 68 रन का, 68 रन का। ठीक है, वही बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो लास्ट के 10 मैच ये टीम भी खेले सभी टीमों के साथ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का जो विनिंग परसेंट है वो रहा है 60% का ही रहा है, एवरेज स्कोर है 169 का, हाईएस्ट स्कोर है 222 का। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से ज्यादा रहा है, वही लोएस्ट स्कोर है 85 रन का। बात करें दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की, वीडियो का ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की बात करें, तो ओपनिंग सजारी की बात करें दोनों टीमों की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से अच्छा जो है राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग सजारी है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम से अच्छा जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। बैटिंग डेप्थ जो दोनों टीमों का एवरेज ही है, पेस बॉलिंग में दोनों टीमें एवरेज ही है, बट हाँ स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत ज्यादा आगे है। चलिए फाइनली बात कर लेते दोनों टीमों में टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की। ठीक है, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन जो किया था और जिनका भी रिसेंट फॉर्म भी जो है बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये भी वीडियो के लिए, ये भी मैच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप जरूर से सुनकर जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बात कर ले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है किसका आता है, वो आता है दिनेश कार्तिक का। ठीक है, दूसरा नाम आता है फैफ डुप्लेसी का, चौथा नाम आता है शहबाज अहमद का, वही पंजवा जो नाम आता है इसमें जॉस हेजलवुड का। ठीक है, वही बात करें राजस्थान और उसका टॉप 5 बेस्ट प्लेयर, इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉस द बॉस जॉस बटलर का, दूसरा नाम आता है युजवेंद्र चहल का, ठीक है, यूसी चहल का, वही तीसरा नाम आता है संजू सैमसन का, चौथा जो नाम आता है सिमरन हेटमार का, पंजवा जो नाम आता है किसका आता है देवदत्त पडिक्कल का। ठीक है, ये दोनों टीम से टॉप 5 बेस्ट पे, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन्हें रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे आशा है कि इस मैच में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
बात कर लेते हैं इस मैच के मैच प्रेडिक्शन के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप जरा अपना मोबाइल ओपन करो, उसमें टेलीग्राम ऐप को ओपन करो, जरा देखो कि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं कर। अगर नहीं टीम और संजू सैमसंग की टीम इसमें कौन सी टीम जो जीत सकती है, अगर दोनों टीमों को कंपेयर दोनों एनालिसिस करने के बाद आपको भले ही जो यहाँ पे कौन राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हो, बट आप अगर आप चाहे तो राजस्थान रॉयल्स की ओर भी जा सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये है मैच का, इस मैच में आपको जो दोनों टीमों के रिकॉर्ड कंपेयर दोनों एनालिसिस करने में जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच में वो कौन राजस्थान रॉयल्स की टीम नहीं बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो इस मैच को जीतती दिखाई दे सकती है। टेलीग्राम पे जाने से पहले अभी तक लाइक वगैरह कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, घंटे उसे दबा ले, ठीक है। और हाँ, दोस्तों का शेयर को पूरा फैला दे, सुनो, ठीक है। जितने क्रिकेट फैंस दोस्त हैं सबके पास वो फैला दे, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।